हेलो गाइस, हेलो गाइस, वेलकम बैक शिखर डॉट एस सी एस। आज यहाँ पर हम जो पीएम की जर्नी है वो ओसाका गए हुए थे पीएम जापान में 2019 में, तो उसी का यहाँ पर आज देखेंगे जापान का। तो सबसे पहले हम लोग जापान की लोकेशन देख लेते हैं ताकि उससे रिलेटेड कोई भी एस्पेक्ट छूटे ना हमारा लोकेशन से। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरा आपका जापान है, ठीक है, ये पूरा आपका जापान हो गया। यहाँ पर अगर आप ऐसे देखें, ये जापान हो गया। देन उसके बाद अगर इसकी लोकेशन देखें तो इसके ईस्ट में आपको कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको लैंड नहीं दिख रही है। और इधर की बात करें तो ये आप देखिए सी ऑफ जापान है यहाँ पर, ठीक है। और इसके वेस्ट में बात करें तो ये साउथ कोरिया है, और इधर देखिए ये नीचे नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ इस साइड आप देखें तो येलो सागर है, और ये पूरा जो लैंड है ये पूरा चाइना का है। ईस्ट चाइना सी यहाँ पर है जापान के नीचे साइड में, तो आप कह सकते हैं साउथ वेस्ट साइड में है, ओके। देन उसके बाद ये आप देखिए तो यहाँ पर ताइवान है, और फिलीपींस ही जापान के काफ़ी नीचे हो जाती है। इस साइड आप लोकेशन देखें तो साउथ चाइना सी है, जिसमें काफ़ी लड़ाई चल रही है चाइना और फिलीपींस के बीच में, ओके, इंडोनेशिया के बीच में। और उसके बाद यहाँ पर आप देखें तो सी ऑफ ओखोत्स्क है, ओके। ये चीज़ें आप ज़रूर से याद रखिएगा कि कोई भी एस्पेक्ट छूटे ना। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जापान किसी भी तरफ से लैंड से जुड़ा हुआ नहीं है, ओके। अब बात करते हैं कि जो जो जर्नी में चीज़ें हुई उसके बारे में। सो पीएम जो अपने भारत के पीएम हैं वो विजिट पे गए थे जापान ओसाका। ये G20 समिट थी, कब से कब तक थी, 27 से 29 जून 2019। तो ये लर्न रखिएगा कि 2019 में थी। हाँ, 2020 में अभी कोई भी पीएम की बाहर की यात्रा नहीं हुई है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब जापान को थोड़ा सा देख लेते हैं, मैप में तो देख लिया था, अब इसकी कैपिटल क्या है, टोक्यो है, सभी को पता है। करेंसी की बात करें तो जापानी एन है, और नेशनल लैंग्वेज इसकी जापानी है। और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो शिंजो अबे इनके प्राइम मिनिस्टर हैं। अब बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हुई, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 27 जून को क्या हुआ, 2019 को कोबे जापान में भारतीय समुदाय को जो है प्रधानमंत्री ने क्या किया था, संबोधित किया था। दूसरा जो था जापान के ओसाका शहर में G20 का ये जो शिखर सम्मेलन था, ये 14वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में G20 के सभी राष्ट्र देशों ने हिस्सा लिया था, मतलब कि कोई भी ऐसा नहीं था जिन्होंने हिस्सा ना लिया हो, तो इस चीज़ों को ज़रा ध्यान रखिएगा, ओके। अभी ये दो पॉइंट देखे। देन उसके बाद क्या था, G20 सम्मेलन में मौजूदा समय में वैश्विक परिप्रेक्ष्य में उपस्थित चुनौतियों पर चिंतन किया गया। इस सम्मेलन में विभिन्न राष्ट्रों के मध्य व्यापार तनावों, जलवायु परिवर्तन, डेटा प्रवाह, आतंकवाद, भ्रष्टाचार तथा लैंगिक समानता जैसे मुद्दों पर विचार किया गया। देन उसके बाद क्या है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने डिजिटल अर्थव्यवस्था और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI पर अपने अभिभाषण में डिजिटल तकनीक के अधिकतम उपयोग के लिए 5i विज़न का क्या किया, विज़न को प्रस्तुत किया। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो इसके पहले वीडियो देखा था उसमें क्या था कि हेल्थ की फुल फॉर्म बताई गई थी, तो वो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट हो जाती है, और यहाँ पर विज़न की बताई गई है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि किर्गिस्तान में क्या था और जापान में क्या बताया गया था, तो ये काफ़ी चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो पहला जो आई इन्होंने बताया वो इंक्लूसिवनेस बताया यानी समावेशी। दूसरा है देशीकरण यानी कि उसके बाद नवाचार है, इनोवेशन, ओके। और संरचना में निवेश की बात करें तो इन्वेस्टमेंट और इन इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो इतनी चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये 5 जो आई है इनका फुल फॉर्म क्या होगा, ओके। G20 की बात कर लेते हैं, तो G20 का अगर बात करें तो G20 की स्थापना कब हुई थी, 1997 में हुआ था, और 7 देश उस टाइम पे थे, कौन कौन से, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस और इटली। इन सब की लोकेशन आप देखिए तो आपको अमेरिका का तो पता ही है, ठीक है, अमेरिका जहाँ पर है वहीं बीच में क्या है, कनाडा है। ब्रिटेन की बात करें तो आपका यूरोप में आएगा, वहीं पर आपका जर्मनी भी आएगा। जापान की अभी हम लोगों ने लोकेशन की बात करी, ये एशिया में पड़ेगा। फ्रांस की बात करें तो ये भी आपका यूरोप में पड़ेगा, और इटली की बात करें तो ये भी आपका यूरोप में पड़ेगा। तो ये चीज़ें लोकेशन भी ज़रूर से ध्यान रखिएगा, ओके। देन उसके बाद हम बात करें G20 का उद्देश्य जो था वो क्या था, तो वैश्विक वित्त को प्रबंधित करना था, ठीक है। देन उसके बाद संयुक्त राष्ट्र जो है, मतलब यूनाइटेड नेशन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जिसे कहते हैं, तथा विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक जो है कि स्टाफ स्थायी होते हैं,
तो इनके जो भी स्टाफ होते हैं वो स्थायी होते हैं, किसके, यूनाइटेड नेशन के, आईएमएफ के, और जो है वर्ल्ड बैंक के स्टाफ जो है स्थायी होते हैं, और इनके हेड क्वार्टर भी होते हैं। जबकि G20 का ना तो कोई स्थायी स्टाफ होता है और ना ही हेड क्वार्टर है, तो ये चीज़ ज़रूर से ध्यान रखिएगा। अच्छा, G20 है क्या? ये एक फोरम है, इस फोरम में भारतीय समेत 19 देश हैं और यूरोपीय संघ भी इसी में संघ भी शामिल है। ओके, तो ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका होता है ये होता है कि जो 5i विज़न है उसकी फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि सेम इसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें जो आई ये वाली है इसका क्या मतलब होता है, या 5i का कौन सा मिसिंग है, या कौन कौन से हैं, तो ये चीज़ें याद रखिएगा ज़रूर से। तो इंक्लूसिवनेस हो गया, इंडिजाइनेशन हो गया, ठीक है, इनोवेशन हो गया, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, देन इंटरनेशनल कॉरपोरेशन हो गया। तो ये चीज़ ज़रूर से लर्न रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में अगले जो पीएम की यात्रा है उसके साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।